अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ईशान फ्रॉम टेक्निकल जी। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गूगल के बारे में। देखो गूगल तो हम सबको पता है कि गूगल क्या है, लेकिन गूगल क्या क्या कर सकता है ये शायद आपको पता ना हो, क्योंकि आप गूगल की मदद से किसी की भी बायोडाटा निकाल सकते हो। ये होता है ना कि भाई बंदा किसी के पास चला जाता है, या इसका कोई NIC कार्ड है, या उसका मतलब कुछ भी XYZ हो गया, तो बंदा किसी भी कंप्यूटर पर जाता है, सॉफ्टवेयर की मदद से उनको सर्च करता है। लेकिन सिंपली आपको तो पता है गूगल बिल्कुल फ्री है, गूगल आपको फ्री में ज्ञान बांट रहा है, तो क्यों ना गूगल से ऐसा ज्ञान लिया जाए जो हमारे वाकई में काम आए। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूँ गूगल के, जिससे मतलब तस्वीर की ओनली, अगर आपके पास किसी की तस्वीर है, आप उसकी और भी तस्वीर मतलब हाथ करना चाहते हो, उसकी डेटा मालूम करना चाहते हो, बशर्त मतलब ये है कि अगर वो सोशल मीडिया पे हुआ तो ठीक है। अगर जो सोशल मीडिया पे नहीं है, किसी गांव के बंदे को आप सर्च करोगे तो वो कहां से मिलेगा, लाजमी गूगल है कोई मतलब पौधा नौकर नहीं। तो ऐसे में ये है ना कि किसी की भी तस्वीर से आप उसकी डेटा निकाल सकते हो। अगर आपको कोई बंदी पसंद आ गई हो तो ये होगा आपके पास उसकी एक तस्वीर है, मतलब कोई सेलिब्रिटी है ठीक है, उसके नाम बहुत से लोगों को नहीं आते भाई, कोई तुर्की हो गई, कोई फलाना ठमकाना, मतलब कहीं की भी आपको उसकी और भी पिक्चर्स वगैरह मतलब चाहिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है कोई हीरो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे कोई मतलब एक स्टाइल वाला लंबे बाल वाला एक हीरो जो अच्छा लगता है उसका नाम मुझे नहीं आता, तो क्या है वो, तो ऐसे में ये होगा मुझे उसकी और भी तस्वीरें चाहिए। तो मैंने ये किया कि भाई गूगल में एक ऐसा ऑप्शन था जिसपे ओनली जाके मैंने उसकी तस्वीर अपलोड कर दी, तो मुझे उसकी सारी डेटा बायो डेटा मतलब कौन कौन सी वेबसाइट पर उसकी तस्वीरें हैं, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, कौन कौन से ड्रामों में उसने काम किया है। तो ऐसे में ये है कि आपको जिसकी डेटा मालूम करनी होगी वो शायद आपको मिल जाए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, उसके अलावा मेरे चैनल को तो लास्ट में सब्सक्राइब कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर थोड़े मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके समझा रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपना जो है गूगल क्रोम ब्राउजर वो आपको ओपन करना है ठीक है। उसके बाद आपको ये होगा कि आपको वहाँ पर गूगल सर्च करना है। जैसे आप वहाँ पर गूगल सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि गूगल आ जाएगा, सिंपली ऊपर सर्च करने से गूगल आएगा, कोई फेसबुक वगैरह थोड़ी ना आएगा। तो इससे में ये होगा कि आपको ऊपर जाना है, 3 डॉट जो वहाँ पर होते हैं उससे मतलब उस पर जाके आपको डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट करना है ठीक है। आप जैसे वो सिलेक्ट करोगे तो आपको ये होगा कि जो भी मतलब एज अ PC जैसे आप यूज़ कर रहे हो तो आपके सामने वो सारा तरीका आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि सर्च वाले ऑप्शन में आपको एक इमेज मतलब एक कैमरा जैसे होता है वो आपको उसका आइकन नज़र आएगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। जो सेकंड वाला ऑप्शन है आई थिंक अपलोड एन इमेज या ऐसे कुछ होगा, शायद मुझे याद नहीं, आपको यहाँ पर सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सिंपली वहाँ पर तस्वीर अपलोड करनी है कि जो फाइल्स वगैरह में जो भी तस्वीरें वगैरह हैं वो आपके सिंपली सामने आ जाएंगी। जिसकी आप डेटा निकालना चाहो उसकी तस्वीर आप पिक्चर जो है आप सिंपली सेलेक्ट करो, और उसके बाद क्या होगा वहाँ पर जैसे तस्वीर भाई गूगल ढूंढेगा कौन कौन सी वेबसाइट पर, कौन से मतलब फेसबुक पेजेस पर, और अगर ये बंदा फेसबुक पे है भी तो उसके आईडी का नाम क्या, सारी डिटेल आपको गूगल खुद ही निकाल कर देगा। पिक्चर का साइज क्या है, पिक्चर की इमेज क्या है, ये वो मतलब पिक्चर की इमेज यार इमेज ही हुआ ना हाँ मतलब एनीवेज कुछ भी मतलब उसकी सारी डेटा जो है आपके सामने आ जाएंगी, काला चिट्ठा सार आपके सामने आ जाएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सोचा कि आपसे क्यों ना शेयर कर दी जाए। पहले भी मैंने शेयर की है, मेरी पिछली वीडियो छोड़ के उससे पिछली वीडियो में मैंने ये बताया वो घूमते फिरते मैंने बना ली थी, सोचा क्यों ना सेटअप पे बैठ के वो बनाई जाए, इज्जत के साथ बैठ के बनाई जाए, तसल्ली बख्श मतलब काम किया जाए और तसल्ली से समझाया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी से करना है, उसके अलावा मेरे चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब करना है। वीडियो बहुत ही शॉर्ट बना रहा हूँ, अपलोड ना करने से बेहतर है तो बंदा अपलोड कर ले, कुछ भी कंटेंट हो अपलोड कर दो भाई, क्योंकि यूट्यूब भी देखेगा यार ये बंदा वाकई में मेहनत कर रहा है। हफ्ते बीत जाते मेरी कोई वीडियो नहीं आती, तो सोचा क्यों ना आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। लाइक और शेयर नहीं किया कर दो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।